नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में काकतीय राजवंश के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। काकतीय राजवंश दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र का एक सूर्यवंशी क्षत्रिय तेलुगु राजवंश था। काकतीय वंश का शासनकाल ईस्वी 1000 से 1326 तक था। इन 326 वर्ष के शासनकाल में लगभग 8 राजा और 1 रानी ने काकतीय साम्राज्य पर शासन किया। उनकी वंशावली आगे देते हैं। बेतराज प्रथम, प्रोलराज प्रथम, बेतराज द्वितीय, प्रोलराज द्वितीय, प्रतापरुद्र प्रथम, महादेव, गणपति, रुद्रम्मा देवी, प्रतापरुद्र द्वितीय। बेतराज प्रथम यह काकतीय राजवंश के मूल पुरुष थे। यह कल्याणी के चालुक्य मराठा वंश के राजाओं के अधीन सामंत के रूप में अपना शासन चला रहे। बेतराज प्रथम से लेकर प्रोलराज द्वितीय तक के राजा यानी काकतीय राजवंश के शुरुआती 4 राजाओं ने कल्याणी के चालुक्य मराठा वंश के राजाओं के अधीन रहकर सामंतों के रूप में आंध्र प्रदेश तेलंगाना का शासन संभाला। उसके बाद ईस्वी 1190 में कल्याणी के चालुक्य मराठा वंश के आखिरी शासक सोमेश्वर चतुर्थ के समय जब चालुक्य राजवंश की शक्ति कम हुई, तब देवगिरी के यादव मराठा वंश के राजा भिल्लमदेव पंचम ने चालुक्य राजा सोमेश्वर चतुर्थ को पराजित करके खुद को स्वतंत्र घोषित करके महामानाष्ट्र में यादव वंश की स्थापना की। उसी समय आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्र प्रथम का शासन था। उन्होंने भी चालुक्य साम्राज्य का वर्चस्व ठुकरा कर खुद को स्वतंत्र घोषित किया और वारंगल को अपनी राजधानी बनाकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र में काकतीय साम्राज्य की स्थापना की। इसलिए काकतीय राजवंश के संस्थापक रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम को माना जाता है। उनके बाद महादेव अगले शासक बने। इन्होंने काकतीय साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया और देवगिरी के यादवों के आक्रमणों से काकतीय साम्राज्य की रक्षा की। उनके बाद गणपति देव अगले शासक बने। यह काकतीय राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इन्होंने काकतीय साम्राज्य का विस्तार किया और तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर को भी जीत लिया। उन्होंने रायगज केसरी की उपाधि धारण की। उन्होंने मोटुपल्ली बंदरगाह पर व्यापारियों का कर कम किया और व्यापार को चलना दी। उसके साथ साथ उन्होंने प्रतिष्ठित वारंगल किले और हजार स्तंभ मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, जो आज भी अपनी स्थापत्य कला की भव्यता के लिए प्रशंसित है। लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। 2 पुत्रियां हुई, उनमें से रुद्रमा देवी नामक पुत्री काकतीय साम्राज्य की अगली महिला शासिका बनी। जो इतिहास प्रसिद्ध हुई और भारत के प्रमुख वीरांगनाओं में से एक थी, उनके ऊपर रुद्रमा देवी नामक एक चित्रपट भी रिलीज हुआ था। उनके बाद उनके पोते प्रताप रुद्र द्वितीय काकतीय साम्राज्य के अगले और आखिरी शासक बने। उनका शासनकाल दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को 4 बार पराजित किया, लेकिन बाद में तुगलक सुल्तानों से उनको पराजित होना पड़ा और काकतीय साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। काकतीय वंश को उनके कला, साहित्य और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाना जाता था। खासकर मंदिर निर्माण के रूप में हनमकोंडा में हजार स्तंभ मंदिर, पालमपेट में रामपा मंदिर यह प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जगह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी काकतीय राजवंश के पास ही था। वारंगल से काकतीय राजवंश के पतन के बाद उनके वंशज अन्यत्र बिखर गए। कुछ छत्तीसगढ़ के बस्तर में गए, वहीं बस्तर के काकतीय वंश का उदय हुआ और उसी प्रकार कुछ महाराष्ट्र में भी आ गए। आज के क्षत्रिय मराठों के 96 कुल में से काकड़े कुल के मराठा काकतीय राजवंश के वंशज है। काकड़े कुल का वंश सूर्य और गोत्र कौंडिन्य है। इसी काकड़े मराठा कुल में छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना के प्रसिद्ध सरदार हुए सरदार सूर्याजी काकड़े। अगर आप सरदार सूर्याजी काकड़े का इतिहास जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद्राष्ट्र।